क्यों नहीं आता, तो वो जो उसके पास कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा सारा तरीका डिफरेंट डिफरेंट बात होता है। ठीक है, अब सीधा बात है यहाँ पे बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, बफर कैपेसिटी एक अलग इसका कंडीशन है। कंडीशन इसका ये है कि आप एक बफर सॉल्यूशन ले लिए, वो एसिडिक हो बेसिक हो कोई मतलब नहीं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन भी हो सकता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन भी हो सकता है। और इसको हमने ले लिए कितना, 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन ले लिए। तो कंडीशन ये है बच्चों कि जो अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, या जो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस का, टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। पहले तो कुछ भी अमाउंट ऐड करके हम पीएच का चेंज निकालते थे ना, बट यहां पे पीएच का चेंज पहले ही दे दिया और आपसे ये कह रहा है कि आप एक बफर सॉल्यूशन ले लिए जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें आप कितना स्ट्रॉन्ग एसिड का अमाउंट ऐड करोगे ताकि उसका पीएच 1 यूनिट से चेंज हो जाए, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। आप स्ट्रॉन्ग बेस कितना ऐड करेंगे ताकि उसका जो पीएच है बच्चों वो 1 यूनिट से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो समझ रहे हो, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो भी हमको ऐड करना पड़ेगा अमाउंट, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बफर कैपेसिटी। अब एक बात समझ लो, जितना बढ़िया बफर सॉल्यूशन होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। बफर कैपेसिटी जितना बढ़िया, बफर सॉल्यूशन भी क्या होगा उतना बढ़िया होगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब सीधी बात है, जनरली वो बफर सॉल्यूशन बेस्ट बफर सॉल्यूशन होगा जिसका बफर कैपेसिटी हाई होगा। खुद ही समझिए ना, 1 लीटर के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, 1 लीटर हमने लिया बफर सॉल्यूशन, और जितना 1 यूनिट चेंज करने में पीएच इसका, जो भी हमको अमाउंट देना पड़ेगा एसिड का या बेस का, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बफर कैपेसिटी। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, कि अगर बढ़िया बफर रहेगा तो ज्यादा अमाउंट लगेगा, और अगर खराब बफर होगा तो कम अमाउंट लगेगा। तो मतलब जितना ज्यादा अमाउंट आप ऐड कर रहे हो बफर उतना बढ़िया होगा, और जितना कम अमाउंट आप ऐड करोगे बफर उतना खराब होगा। समझ रहे हो बच्चों, बात समझ रहे हो। तो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है। क्लियर बच्चों, बच्चों क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गया बच्चों। फिर मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इसके प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे। बच्चों बोलिए, अरे यार यस और नो लिखने में कितना टाइम तुम लोगों को लगता है यार, तुम हद हो, मतलब यार लिख दो ना यार, यस या नो तो लिखना है। पता नहीं यार तुम लोग क्या सोचते हो, क्या चलता तुम लोगों के दिमाग में यार, पता नहीं। रिप्लाई नहीं करने का मेन रीजन क्या है बच्चों, एक बार ये बता दो, मुझे समझ में आना चाहिए ना क्या प्रॉब्लम। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता ना कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, एक बार वो रीजन बता दो जरा। नहीं रिप्लाई करने का क्या रीजन है ये बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है रिप्लाई करने में, टाइप करने में प्रॉब्लम जाता है क्या, बता दीजिए, बता दीजिए, बोलिए। टाइप करने में प्रॉब्लम होता है क्या बच्चों, टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं होता। जो बच्चे मोबाइल से देख रहे हैं वीडियो उनको टाइप करने में प्रॉब्लम होता है क्या, मैसेज रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट टाइम से जिसको रूल समझ लो, नेक्स्ट टाइम से जिसको नहीं समझ में आएगा ना वो रिप्लाई करेगा, वो तो कर ही सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, उसमें एक आध दो बच्चे जैसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। ठीक है,
तो जो नहीं समझेगा वो रिप्लाई कर देगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी पे है, जो रिप्लाई जिसको करना वो करना, ठीक है। चलो एक बच्चे बोला नहीं समझाया, फिर से बता देते, सुनो। बफर कैपेसिटी क्या है? एक बफर सॉल्यूशन आपने ले लिया जिसका वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, और उस 1 लीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में 1 यूनिट से पीएच को चेंज करवाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग वाला, उसी को बोलेंगे बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा बफर सॉल्यूशन उतना बढ़िया होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यार बफर सॉल्यूशन किस चीज के लिए जाना जाता है? पीएच को रेजिस्ट करने के लिए, है ना। हमने क्या बोला था कि आप जब कोई भी एसिड या बेस ऐड करेंगे किसी सॉल्यूशन में और पीएच में चेंजेस ना हो या स्लाइटली चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया बफर सॉल्यूशन का, कि भाई बफर सॉल्यूशन अगर ये है तो अगर आप थोड़ा डाल रहे उस टाइम चेंज हो गया 1 यूनिट, ज्यादा डाल रहे तब चेंज हो रहा है 1 यूनिट, तो जब ज्यादा हमको ऐड करना पड़ रहा है 1 यूनिट पीएच चेंज कराने के लिए, वो बफर क्या हुआ? ज्यादा बढ़िया हुआ। मतलब कुल मिला के सीधा बात यहाँ क्या है बच्चों, कि पीएच चेंज इज इक्वल टू डेल्टा पीएच इज इक्वल टू क्या आपका 1 यूनिट, चेंज इन पीएच इज इक्वल टू क्या आपका 1, बस। अब बच्चों यहाँ पे मान लो, देखो एक एग्जांपल बताते हैं। ये 1 लीटर हमने एक बफर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, ये भी एक 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, भी 1 लीटर, और इधर भी 1 लीटर, ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें बच्चों ये जो है इसका नाम दिया BS1, ये नाम दिया BS2, और ये नाम दिया BS3। पूछ रहे बताओ इनमें सबसे अच्छा बफर कौन है, ठीक है। तो जिसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा वही बेस्ट बफर होगा। अब रूल ये है बच्चों कि जिसमें ज्यादा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा फॉर चेंजिंग पीएच 1 यूनिट, चेंजिंग पीएच बाय 1 यूनिट, उसका बफर कैपेसिटी बढ़िया होगा, और जो बढ़िया बफर कैपेसिटी हो रखने वाला होगा उसका बफर टेंडेंसी अच्छा होगा, वो बफर सॉल्यूशन बढ़िया होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे मान लो हमको 5 मोल ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ रहा है 1 मोल, और यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ रहा है 100 मोल। कंडीशन देखिए, जब 5 मोल ऐड कर रहे हैं तब पीएच में 1 यूनिट का यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ 1 मोल पे ही पीएच में 1 यूनिट चेंज आ गया, और यहाँ पे बच्चों जब हम 100 मोल ऐड करते हैं उसके बाद पीएच में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो देखो सबसे इजिली पीएच में चेंज कब आया? जब हमने 1 मोल ऐड किया। सबसे ज्यादा टाइम, सबसे मुश्किल कब हो रहा है पीएच चेंज होने में? थर्ड वाले में, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 मोल का यूज करना पड़ रहा है। 100 मोल जब ऐड कर रहे हैं तब जाके यहाँ 1 यूनिट चेंजेस हुआ। इसका बफर कैपेसिटी क्या हुआ बच्चों? सबसे ज्यादा, ठीक है। थर्ड वाले का बफर कैपेसिटी क्या हुआ? सबसे ज्यादा। तो बेस्ट बफर सॉल्यूशन कौन सा हो गया बच्चों? बफर सॉल्यूशन थर्ड, उसके बाद कौन सा? बफर सॉल्यूशन 1। और सबसे घटिया बफर सॉल्यूशन कौन सा है? बफर सॉल्यूशन 2, क्योंकि सिर्फ 1 मोल पे ही ये 1 यूनिट का चेंज कर देता है। बात समझ में आया? ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से अगर आपको मैसेज करना है कि करना चाहिए तो करो, नहीं करना चाहिए तो मत करो, जैसा सूटेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर आप बार बार क्यों पूछते? बाबू मैं बहुत मेहनत से ये पढ़ाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाने के बाद बच्चे समझ में आ जाए उनको, है ना। इतना मेहनत से ये सारी टॉपिक पढ़ाओ भी और नहीं समझे तो मूड खराब हो जाता है, तो इसलिए अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको वही तो रिप्लाई करके बता सकता है ना। और झूठ कोई नहीं बोलेगा, ये नहीं बोले, क्योंकि देखो तुम लोग बोलते नहीं समझ में आया तो हम नाम तो नहीं बताते कि बेइज्जती हो जाएगी आपकी, है ना। ऐसा होता है ना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं होगी। आप मुझे बताओगे नहीं समझ आया, मैं नाम डिस्क्लोज कहाँ करता हूँ? आप मुझे बताओगे कि सर नहीं समझा, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ बिना नाम बताए। ये भी मत टेंशन लो कि कौन क्या सोचेगा, क्योंकि आधा से ज्यादा स्टूडेंट कौन क्या सोचेगा के चक्कर में नहीं पूछता है डाउट, है ना। आधा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में कौन क्या सोचेगा के चक्कर में बोल देता है समझ में आगे समझ में आगे। तो ऐसे नहीं करना है। ये आपका करियर बना रहा हूं, ये आपके करियर में आपका वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, ये आपको मैं स्ट्रांग बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो स्ट्रांग तभी बनेंगे जब नेचुरली आप समझेंगे। अब बच्चों बफर कैपेसिटी को फाई से रिप्रेजेंट करते,
ठीक है ना, बफर कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। और बच्चों यहाँ पे कंडीशन ये होता है, कंडीशन ये होता है बच्चों कि बफर कैपेसिटी 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx बाय d ऑफ डेल्टा pH। ये फॉर्मूला है, बफर कैपेसिटी 5 इज इक्वल टू dx बाय d ऑफ डेल्टा pH। अब ये क्या है बच्चों, ये जो अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं ये x क्या है, तो x इज इक्वल टू बच्चों मोल ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो इस हिसाब से आप निकलेगा dx बाय d ऑफ डेल्टा pH, क्योंकि हमको वन आप कितना ऐड कर रहे हैं और उसमें कितने का चेंजेस आ रहा है उससे बफर कैपेसिटी तो डिफाइन नहीं है, डिफाइन तो वन यूनिट के ऊपर है, तो हमको यूनिटरी मेथड लगा के निकालना पड़ता है कि वन यूनिट के चेंज के लिए कितना अमाउंट वहां पे ऐड करना पड़ेगा भाई, उसका क्या बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी फॉर्मूला आ गया dx by d of delta pH, याद रखना phi is equal to dx by d of delta pH, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों 1 लीटर एक बफर सॉल्यूशन हमने ले लिया, क्योंकि 1 लीटर पे ये डिफाइन है, सारा बात ध्यान रखना, जिसमें बच्चों CH3COOH का A मोल है और CH3COONA का मोल है हमारे पास B, तो कंसंट्रेशन भी इसका क्या हो जाएगा बच्चों A, इसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा B, क्यों, क्योंकि मोल बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो A बाय 1 करेंगे तो A आ जाएगा, B बाय 1 करेंगे तो B आ जाएगा, ठीक है। तो अब प्यार से जरा टेंशन लिए बगैर pH 1 निकालिए, पीएच वन ही अभी कंडीशन है, पीएच निकाल रहे, पीएच क्या होगा, पी के ए प्लस ऑफ लॉग बी अपॉन ए, ठीक है, बी बाय ए, ये पीएच वन आ गया बच्चों। अब आगे बोल रहा है इफ एक्स मोल ऑफ एनएओएच आर एडेड इन बफर सॉल्यूशन, तो क्राइटेरिया देखिए क्या होता है, एक्स मोल जो आपने लिया NaOH, ये अल्फा इसका वन है, टूटेगा Na प्लस में और किसमें, OH माइनस में, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये भी आपका एक्स मोल ही बनेगा, मतलब OH माइनस का मोल भी कितना आ गया आपका, एक्स आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, एक्स भी आया आपका यहां पे आ गया। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन का बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है, इस सिचुएशन को आप ध्यान में रखना, समझ रहे हो, क्लियर बात समझ में आ रहा है बच्चों। और अब आगे हम बढ़ रहे हैं, कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है, यहां पे केस जो ऑब्जर्व हुआ कि बफर से बफर मेंटेन होना चाहिए, तो कंडीशन ये है एक्स का वैल्यू लेस देन ए है, एक्स का वैल्यू लेस देन ए, क्योंकि ये जो OH माइनस आएगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस एसिड के साथ, और अगर इसके बराबर हुआ तो इसको खत्म कर देगा, तो बफर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बफर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये चीज हो गया। अब जो OH माइनस है बच्चों वो CH3COOH के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से CH3CO माइनस को बनाएगा, ये आपने लिया ए मोल, ये लिया कितना आपने CH3COOH का ए मोल, सॉरी ये एक्स मोल है, ये ए है और ये आपका बी, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये एक्सेस रिएजेंट, ये जीरो, ये ए माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा बी प्लस एक्स, ठीक है। तो बच्चों अब हम पीएच टू निकाल रहे, मतलब समझ रहे हो ना, आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, जो पीएच निकाल उसको पीएच टू बोलेंगे, ये आ जाएगा पी के ए प्लस लॉग ऑफ दिस बाय दिस, तो बी प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, चूंकि अभी हमने बेस ऐड किया इसलिए b प्लस एक्स बाय माइनस एक्स हो रहा है, अगर एसिड ऐड करे होते तो उल्टा होता, b माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ठीक है। अब बच्चों डेल्टा पीएच क्या होता है बताओ, फाइनल माइनस क्या आपका पीएच टू माइनस क्या आपका पीएच वन, यहां से हो गया पीएच टू माइनस ऑफ पीएच वन इज इक्वल टू, पीएच टू क्या है पी के ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ पी के ए माइनस ऑफ लॉग
बी बाय ए, ऐसा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां से आगे बच्चों कि लॉग ऑफ बी प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स और माइनस ऑफ लॉग बी बाय ए, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का रूल लगा देंगे क्या हो जाएगा, लॉग ए डिवाइड बाय बी, लॉग ऑफ बी बाय बी प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, और यहां डिवाइड कर देंगे अगर आप बी बाय ए, ए ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और बी नीचे आ जाएगा, तो नेट ये हमारे पास आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये कंडीशन है, सिचुएशन है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम क्या दे रहे बच्चों, डेल्टा ऑफ पीएच, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया आपका डेल्टा पीएच। एक काम कर रहे बच्चों, यहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे और 2.303 से डिवाइड कर दे रहे इनटू लॉग ऑफ बी माइनस एक्स बी प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स इंटू ए बाय बी, ये आ गया। अब देखो 2.303 टाइम्स लॉग क्या कहलाता है बच्चों, ln, इसके पोजीशन में हम ln रख सकते हैं। अब आपको बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि हमको डिफरेंशिएशन करना आगे जाके, और डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब ln होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ln का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये ln ऑफ b प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स और इंटू ए बाई बी डिवाइड बाई 2.303, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पीएच, ठीक है। अब देखिए जो यहां पे हम करने जा रहे d ऑफ डेल्टा पीएच, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा पीएच विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं बच्चों यहां पे डिफरेंशिएशन। तो कंडीशन जरा ध्यान से देखें कि डिफरेंशिएशन करते वक्त इसको मैं वापस से जरा सेपरेट करने वाला हूं, क्या सेपरेट करने वाला हूं, तो यहां पे लिखने वाला हूं कि डेल्टा पीएच इज इक्वल टू 1/2.303 कॉमन ले लिए, ln ln b प्लस एक्स माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ ln b बाय a, मतलब कहां से किए, यहां से कर दिए, इसको ऐसे रहने दिए और इन दोनों को भी सेपरेट कर दिए, ln a बाय b, ln a माइनस ln b पूरा कर दिए, तो इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्यार से डिफरेंशिएट होगा, इसको बाहर कर दो 1.2.303। अब बच्चों आपको पता है ना ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x, बट यहां पे क्या है ln x नहीं, ln b प्लस x है, तो ln b प्लस x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b प्लस x इनटू d ऑफ b प्लस x बाय dx, चेन रूल लगाएंगे, तो ln b प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय b प्लस x, एंड अगेन b प्लस x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो b का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, सो नेट कितना आ गया 1 बाय b प्लस x, चेन रूल लगा रहे बच्चों। अरे यार पता है ना तुम लोगों को ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो ln x by dx होता है, तो अब यहां पे ln b plus x है, उसको x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमने चेन रूल यहां लगा दिया, ln b plus x by d of b plus x into d of b plus x by dx, तो ln b plus x का आ गया 1 by b plus x, और d of b plus x by dx करेंगे तो b का डिफरेंशिएशन 0 चूंकि ये कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया। और यहां से उसी तरीके से आ जाएगा बच्चों ln ln a माइनस एक्स बाई डी ऑफ ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए माइनस एक्स, एंड अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल लगा के, तो ln a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और चूंकि ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है b बाय a, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 0, हो गया 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया आपका किसका, डी ऑफ इसका। अब देखो कंडीशन है कि हम लोग यहां पे इसका एलसीएम लेंगे अभी, तो d ऑफ डेल्टा पीएच बाय dx इज इक्वल टू 1/2.303 इनटू a माइनस x प्लस b प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x इनटू b प्लस x, ये केस आ गया यहां पे। तो अब क्या है बच्चों, ये x x का कल्याण हो जाएगा, तो d ऑफ डेल्टा पीएच बाय dx is equal to आ गया a plus b divide by 2.303 और into a minus x into क्या आपका b plus x, ठीक है।
इसको रिवर्स कर दो, पलट दो, पलटी मार दो इसका, ठीक है, तो हो जाएगा क्या आपका dx by df delta ph is equal to 2.303 into a minus x into क्या आपका b plus x divide by a plus b. ये जो आपका फॉर्मूला है dx by df delta ph, इसको हमने कुछ अज्यूम किया था, कहाँ गया भाई, ये phi is equal to क्या आपका dx by df delta ph, मतलब dx by df delta ph equal to phi, and phi is what, buffer capacity, ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, buffer capacity आ गया, तो यहां से आप लगा सकते हैं equal to क्या आपका phi, तो कभी भी buffer capacity का formula निकालना है phi, तो dx by df delta ph होता है, which is equal to क्या, direct रटना पड़ेगा ये, कि 2.303 a minus x into b minus plus x और divide by a plus b, ये आ गया आपका buffer capacity, ठीक है, तो ये condition इसको याद रखना. अब बच्चों मैं आपको कुछ condition बता रहा हूं, जरा और imagination कराता हूं, जरा ध्यान से देखते जा, क्या imagination अभी आपको मैं कराने वाला हूं, imagination ये कराने वाला हूं, imagination ये कराने वाला हूं, कि if x is very less comparable to a and x is very less comparable to b, अगर ऐसा केस है a minus x roughly equal to क्या हो जाएगा a और b plus x भी roughly equal to क्या हो जाएगा बच्चों b, फिर यहां से क्या हो जाएगा बच्चों कि dx by df delta ph is equal to 2.303 into a into b by a plus b, कैसा a minus x a हो गया और b plus x भी b हो गया, because this value is negligible with respect to a, है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना. अब देखो बच्चों यहां से हो गया कि dx by df delta ph is equal to a into b by a plus b और साथ में आ गया 2.303, ठीक है, तो अब देखो बच्चों अगर आप इसका वैल्यू a into b by a plus b का वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे, ये dx by df delta ph का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा. अगर dx by delta ph का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो बफर कैपेसिटी मतलब क्या हो रहा है, बफर कैपेसिटी कैपेसिटी इंक्रीजेस, ये कंडीशन हो गया, ठीक है, तो मतलब सीधा बात यहां ध्यान रखना, बफर कैपेसिटी phi इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखना, ठीक है, बफर कैपेसिटी phi, क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड करते हैं ना बाबू, बहुत ज्यादा लार्ज तो ऐड करते नहीं है, क्योंकि लार्ज ऐड कर देंगे उसका बफर सॉल्यूशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो a कैसे याद करेंगे, बफर कैपेसिटी phi इज इक्वल टू a इनटू b बाय a प्लस b इनटू 2.303, वेयर a और b क्या पता है ना, एक है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दूसरा है कंजुगेट बेस, या एक है बेस दूसरा है कंजुगेट एसिड का, बस सिंपल है. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के एकदम करीब रहने वाले बच्चों, बफर कैपेसिटी phi इज इक्वल टू 2.303 a इनटू b बाय a प्लस b, इसको याद रखना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही आपके मेनली काम का है, ठीक है. इस चीज से जो भी सिचुएशन जनरेट हो रही थी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. अभी एक क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करना यार, सुन लो, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, पूछते टाइप करने में दिक्कत आता है, बोलता है नहीं, मतलब रिप्लाई नहीं करेंगे, टाइप करने में दिक्कत हो या ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन जो बनता है ना आपको मिलेगा, बुकलेट में चले जाना, क्योंकि कैप्सन इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है उसमें सारे क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके से दिए हुए हैं, वहां पे आप सॉल्व एग्जांपल में जाओगे तो देख देख के सॉल्व करना अलग बात होता है, अपने दम पे सॉल्व करना अलग बात होता है, ठीक है, देख देख के तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन अपने से सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है. और एक बात तुम लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करना है, कि जो YouTube पे जाके तुम लोग वन शॉट वीडियो वगैरह देखते हो ना, उससे कोई फायदा नहीं है. वन शॉट वीडियो में क्या बताएगा, वही जो तुमको पहले से पता है, तो तुम सीखे क्या, कुछ नहीं सीखे. अगर तुम्हें जेई नीट क्रैक करना है तो अपने दम पे पढ़ना स्टार्ट करो, कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो बुक से पढ़िए, बुकलेट से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा टीचर से पूछिए, खुद से पढ़िए. अरे डेढ़ घंटा जो वीडियो देखते हो ना फालतू का, उस डेढ़ घंटा में अगर अच्छे से आप रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा.
जो आपके सामने बैठा ही नहीं हो आपको, उसको क्या पता कि आपको क्या दिक्कत है। वन शॉट वीडियो बना के अपलोड कर दिया भाई वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जल्दी जल्दी से, वो फॉर्मूला तो आपको वैसे भी पता है ना, वो तो सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम है। उतना देर में तो आप यार आपका जो वीडियो इधर से अपलोड है उसको देखो यार, कि आपको वहां पे एक एक चीज बताया जा रहा है आपके हिसाब से, आपको पूछ के आपको किसमें दिक्कत है, आपको किसमें दिक्कत नहीं है, किसको स्किप करना है किसको नहीं, ठीक है। तो बाबू बाद में नहीं तो पछताओगे। और उसका एक बाद एक कहावत है, अब पछतावत का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, समझे। इसीलिए बाद में आपको पछताना ना पड़े तो मेरा जवाबदेही है कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको गाइड करूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आईआईटी जेई और नीट क्रैक करने के लिए ना बच्चे के अंदर खुद एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक स्पार्क होना चाहिए, ठीक है। वो चीज है उसका ध्यान रखो। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अभी जैसे आप लोग को मैं देता हूं वहां पे वर्क कि बाबू पीरियोडिक टेबल करना, तो तुम लोग करते हो केमिकल बॉन्डिंग, बाबू वो डीपीपी देता हूं उसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करते नहीं हो, कोई डाउट पूछते नहीं हो, ठीक है भाई अपने हिसाब से कर रहे हो करो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मैं टीचर था टीचर हूं और टीचर ही रहूंगा, ठीक है। बस बशर्ते अगर आप अच्छा करेंगे हमको अच्छा फील होगा, और अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आप अच्छा करेंगे, बात नहीं मानेंगे आप क्या करोगे वो आपके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरी बात को कोई दिल पे मत लेने ना, रोने धोने मत लगना, मैं ऐसे आपको बस बता रहा हूं, मैं मतलब इन जनरल बता रहा हूं, किसी को नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल बता रहा हूं। रोने धोने का मतलब ये मत कि सर ये बोल दिए वो बोल दिए, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो दिमाग दिल में लो, नहीं लगे तो साइड से निकाल दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से 180 डिग्री से बाहर निकालो, कोई जरूरत नहीं है बात को ज्यादा सोचने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों कि विच बफर इज बेटर बफर, विच बफर इज बेटर बफर सॉल्यूशन, ओके, विच बफर इज बेटर बफर सॉल्यूशन। ए है 0.1 मोलर CH3COOH और 0.1 मोलर CH3COONA, और बी है बच्चों 0.2 मोलर CH3COOH 0.2 मोलर CH3COONA। देखो अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। अब याद करो जब मैं आपको बफर सॉल्यूशन पढ़ा रहा था तब बताया था कि एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन सेम होगा तो बेस्ट बफर होगा, एसिड और कॉन्जुगेट बेस का तो बेस्ट, तो दोनों ही बेस्ट है भाई, तो इसमें भी कौन बेस्ट है ये चेक करने के लिए आपको बफर कैपेसिटी के कंसेप्ट का यूज करना पड़े। बच्चों मेरी तबियत खराब है मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। लिखो लिखो सॉल्व करो इसको। यार आंसर बताओ क्या होगा, इन दोनों में कौन सा बफर बेस्ट है, ए है या बी है। मृत्युंजय रंजन का मैसेज आ गया बी, देखते बाबू अब क्या होगा। चलिए हमें तो पता नहीं आंसर, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट फॉर्मूला लगा के निकाले होंगे तब तो सही आया होगा आंसर। देखो ये सब टॉपिक बहुत आसान है लेकिन बच्चे को पता नहीं होता, तो डरते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। अरे डरते का है वो यार, एकदम ईजी है यार, बिल्कुल मत डरो यार, बहुत आसान है, खासकर नीट वाले बच्चे बिल्कुल डरिए मत। देखो एग्जाम में एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप प्रीवियस ईयर में जाके देख लीजिए सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो डरो मत,
एकदम तैयारी करो एकदम अपर लेवल का, और एग्जाम में जाके फोड़ के आना एकदम सारे क्वेश्चन को। तो जब डरोगे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। मत बोलो मेरा मैथ खराब है, ये है वो है। अरे कुछ नहीं यार, कौन सा मैथ, कैलकुलेशन 9-10 का लग रहा है यार, वो तो सबको पता होता है। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा ना, आप चिंता मत करो। आयनिक जैसा चैप्टर आपको ऐसा एकदम सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री या कोई भी चैप्टर आप बोलोगे उसको ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आप कभी भूलोगे नहीं। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बार बार। एक बच्चे का मैसेज आया, बाकी बच्चे पता नहीं सो गए क्या। जग जा बाबू, जग जा बच्चे, जग जा और आंसर दे जा। चलती क्लास में सोया नहीं करते, गलत बात। मैं बताऊं, हाँ देखो यहां फाई का फॉर्मूला लगा दो, फाई का फॉर्मूला लगा दो। फाई इज इक्वल टू क्या आपको बताया फॉर्मूला, 2.303 a into b डिवाइड बाय क्या आपका a प्लस b, विच इज बेस्ट बफर सॉल्यूशन। तो जिसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा वो बफर सॉल्यूशन बढ़िया होगा। समझाए है ना, समझ गए? मतलब जिसके पास रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगा वो बढ़िया बफर सॉल्यूशन होगा, और रेजिस्टेंस पावर ज्यादा मतलब उसका बफर कैपेसिटी क्या होगा, हाई होगा। तो सीधी बात आप देख ले, यहाँ पे a का वैल्यू है 1.1, b का वैल्यू भी 0.1 है, तो रख दो यहाँ पे 2.303 into 0.1 into 0.1 divide by 0.1 plus 0.1, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये आ गया 2.303 divide by 0.2 into 10 का पावर माइनस 2, इसकी वजह से ऊपर जाएगा तो कितना आ गया 10 का पावर माइनस 1, मतलब आ गया ये 2.303 बाय 20। और दूसरा है बच्चों बी के लिए, y इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.2 और 0.2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.2, यहां से आ गया 2.303 इंटू 4 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय, ये हो गया 0.4, ये आ गया 0.1। जब नीचे आएगा ना तो जाएगा देखो 2.303 बाय 10 और यहाँ 2.303 बाय 20, तो 20 डिनोमिनेटर ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे कम है, तो ये नेट वैल्यू क्या होगा, इससे क्या होगा ज्यादा। तो बफर कैपेसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन बफर कैपेसिटी ऑफ ए, और जिसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा, जिसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा वही बेटर बफर सॉल्यूशन होगा। तो बी इज बेटर बफर सॉल्यूशन कंपेरेबल टू व्हाट ए। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन यहाँ जनरेट होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान आप रखना। मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, एक ही क्वेश्चन यहाँ का बनता है, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ बनता नहीं है। ठीक है, और सारा कंडीशन जो था मैं आपको समझा दिया, यहाँ पे बफर कैपेसिटी फिनिश हो गया। अब है टाइट्रेशन। अब आप बताओ मुझे कि टाइट्रेशन पढ़ाना है या तुम लोगों को आता है टाइट्रेशन, क्योंकि टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत इजी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले ही डर के मारे उसको छोड़ देता है कि टाइट्रेशन बहुत हार्ड है, ये है वो है। तुम बताओ तुम्हें टाइट्रेशन पढ़ना है या स्किप करके आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो। टाइट्रेशन जानना है, ठीक है। तो टाइट्रेशन के लिए कुछ रूल है, रूल समझ लीजिए टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन बच्चों, टाइट्रेशन बता दूं या स्किप कर दूं, सारे बच्चे बताइए एक बार, क्योंकि बहुत टाइम लगता है टाइट्रेशन पढ़ाने में बाबू, क्योंकि टाइट्रेशन एकदम खाली दिमाग का यूज वहां करेगा, पूरा दिमाग यूज करेगा। सुन लो, बिना दिमाग लगाए टाइट्रेशन आप नहीं पढ़ सकते। और टाइट्रेशन का सिर्फ एक केस आपको बताऊंगा ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। फास्ट नहीं बताएंगे इसको आराम से बताएंगे, एक ही केस बताऊंगा, 4-5 केस बताने से बढ़िया एक केस बताएंगे जिससे पूरा टाइट्रेशन क्लियर हो जाएगा। और आज तो नहीं बता पाएंगे, कल बता देंगे फिर। ठीक है, कल बताएंगे, कल मीटिंग जब लेंगे तो कल बताएंगे। अब देखो बच्चों, टाइट्रेशन का सबसे पहले रूल समझ लीजिए। टाइट्रेशन तो देखो डिफरेंट टाइप का टाइट्रेशन होता है, एक होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, है ना। रिडॉक्स टाइट्रेशन आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है, इससे क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, और दूसरा है बच्चों एसिड बेस्ड टाइट्रेशन।
तो कंडीशन ही होता है कि यहां पे दो कंडीशन होता है, एक होता है बीकर और दूसरा होता है ब्यूरेट। ठीक है, यहां बीकर है और यहां ब्यूरेट है। ठीक है, बीकर में भी सॉल्यूशन रहता है, ब्यूरेट में भी रहता है। और कंडीशन ये है बच्चों कि फ्रॉम ब्यूरेट बीकर में हम लोग ड्रॉप वाइज बूंद बूंद सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जिसमें एक बात याद रखना, यहां जो रहता है ना सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन नोन रहता है बच्चों, बट यहां जो कंसंट्रेशन था वो अननोन रहता है।